तो आज की रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पे करीब हमने 500 ग्राम फ्रेश ताजा भिंडी ली थी, जिसकी हमने डंठल काट के लंबी स्लाइस में काट लिया है। इसको हमने अच्छी तरह से चेक भी कर लिया है। इसके अंदर हम डाल देंगे 1 चम्मच लहसुन की पेस्ट, इसी के साथ में आधा कटा हुआ नींबू का रस डालेंगे। इससे भिंडी की चिकनाहट सारी दूर हो जाएगी। और 4 बड़े चम्मच हमने यहाँ पे फ्रेश दही लिया है भिंडी में थोड़ी सी नमी डालने के लिए। और थोड़ा सा भी हम नमक डालेंगे बाकी बाद में। और सारी चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो भिंडी में हमने दही अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। तो आज हम बिल्कुल नई तरह की भिंडी बनाएंगे जो आपको बेहद पसंद आएगी। यहाँ पे मैंने आधा कटोरी बेसन लिया है, इसका हम हाथों से अच्छी तरह से छिड़काव करेंगे। साथ में मैंने यहाँ पे चावल का आटा लिया है भिंडी को क्रिस्पी करने के लिए, तो उसको भी हम अच्छी तरह से छिड़क देंगे। और इसी के साथ में हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जैसे 1 चम्मच चाट मसाला, इसी के साथ में 1 चम्मच गरम मसाला। और हम हाथों से मसाले डालेंगे जिससे अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, कच्चा जीरा का पाउडर और थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक। और सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से भिंडी में कोट करेंगे। तो सारे मसालों की अच्छी तरह से भिंडी में कोटिंग हो चुकी है। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते। चलिए अब इनको हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर हमने तेल को अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर गरम कर लिया है। भिंडी को हम इसी में डाल देंगे, तो 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर। उसके बाद इसको हम मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से भिंडी को फ्राई कर लेंगे। तो भिंडी पूरी तरह से क्रिस्पी हो चुकी है। देखने में जितनी सुंदर है उतनी खाने में बहुत ही लजीज है। तो इनको हम निकाल लेंगे। इसी तरह से हम बाकी की सारी भिंडी फ्राई करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने सारी भिंडी फ्राई करके तैयार कर ली है और इतनी कुरकुरी है कि देखते ही आपका तुरंत खाने का मन हो जाएगा। तो इनको हम निकाल लेंगे, इसी तरह से बढ़िया सी खूबसूरत प्लेटिंग करेंगे। बहुत ही सुपर टेस्टी, डिलीशियस और मसालेदार क्रिस्पी कुरकुरी भिंडी बनके तैयार है। आप इसको देख सकते हैं, इसके अंदर इतना बढ़िया और मजेदार क्रंच है और ये खाने में इतनी लजीज है कि आप इनको ऐसे भी खाएंगे तो बहुत ही अच्छी लगेगी। और बच्चे और बड़े सभी को ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। तो आप इस भिंडी को जरूर ट्राई कीजिएगा, आप सबको टेस्ट खाने में बहुत ही मजेदार लगेगा।